दोस्तों आजकल लेटर का जमाना नहीं रहा है, नहीं तो लेटर लिखकर मैं ये संदेश अपनी बेटी को देता है। एक बाप का एक बेटी के प्रति संदेश आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बच्ची को, अपनी प्यारी बेटी रेशु को, जिसको नैनी का नाम है, मैं उसको ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बेटी नैनी का, आज का दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पलों में से एक पल जिसका मैं आज जश्न मना रहा हूं, वो उस दिन की याद अभी भी ताजा है जब तुम इस दुनिया में आई थी। तुम्हारी छोटी सी मुट्ठी में मेरा पूरा आसमान समाया हुआ था। तुम्हारी तोतली जबान और चुलबुलापन हमारे घर को खुशियों से भर देता था। मुझे वो दिन आज भी याद है जब पहली बार तुमने मुझे पापा बोला था। मुझे याद है मैं तुम्हें जू 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 करके वो गाना जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुला, भोर गुलाबी पलके नींद से जगाए। शायद तुम्हें भी याद होगा बेटा, ये गाना जब तुम सुनती थी तो ही तुम सोती थी। मुझे याद है वो लोरी सुनाना, एक एक चीज मुझे याद है। फिर देखते ही देखते मेरी नन्ही सी परी स्कूल जाने लगी। हर दिन कुछ नया सीखना, हर पल एक नई उड़ान भरना, तुम्हारी हर छोटी उपलब्धि पर हमें गर्व होता था बेटा। वक्त कैसे बीतता चला गया पता ही नहीं लगा। तुम कॉलेज जाने लगी, तुमने अपने सपनों को पंख दिए और लंदन जाकर मैनेजमेंट MBA की डिग्री हासिल की। याद है मुझे तुम्हारे कॉन्वोकेशन में जब मैं तुम्हारे साथ वो डिग्री, वो जो सर पे कैप लगाते हैं उसको उड़ा रहा था, आज भी वो फोटो मेरी आंखों के सामने आती है, वो पल मेरी आंखों के सामने आते हैं। तुम्हारे टैलेंट ने वहाँ भी सबका दिल जीत लिया था, चाहे वो क्लास में टॉप करना हो, कल्चरल प्रोग्राम में तुम्हारी मंत्र मुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस हो, या फिर तुम्हारे बचपन का शौक फोटोग्राफी के शौक को अपने नए मुकाम पर ले जाना हो। तुम्हारी हर उपलब्धि ने हमें प्राउड फील करवाया। पढ़ाई पूरी कर जब तुम हिंदुस्तान वापस आई और यहाँ एक और परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बड़े भैया के देहांत से पूरे परिवार पर मुसीबत आन पड़ी थी, सबकी आंखों में आंसू थे, तुम्हारी भी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर तुम्हारे हौसला था, तुमने धैर्यपूर्वक हर किसी को संभाला। इतने चैलेंजिंग टाइम्स में अजमेरा फैशन ज्वाइन किया, जब हम अपना ऑफिस रघुकुल मार्केट से सुराना 101 में शिफ्ट कर रहे थे, तुम्हारा दिन रात लगे रहना और सब कुछ हैंडल करना, तुम्हारी मौजूदगी ने जैसे मेरे कंधों पर से सारा बोझ उतार दिया। लगा अब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो चुका है, लेकिन फिर एक परीक्षा की घड़ी आ गई। पूजा वाले दिन, जिस दिन हमारे सुराना 101 की पूजा थी, उसी दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुझे हार्ट सर्जरी के लिए मुंबई एडमिट होना पड़ा। एक पल को लगा शायद अब मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा वो दृढ़ संकल्प, वो अटूट विश्वास। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास हारने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा, इस मुसीबत भरे समय में तुमने जो सहारा दिया हम सबको, 1.5 महीने तक मेरा ख्याल रखा, हर चीज से बढ़कर मेरा ख्याल जब तुमने रखा, वो ख्याल एक बेटी ही रख सकती है अपने पिता के लिए, एक बेटी ही कर सकती है अपने बाप के लिए, लेकिन उसके लिए थैंक यू कहना तो बहुत छोटा पड़ेगा। रेशु, हाँ रेशु बोल रहा हूँ, नैनी का, तुम मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं, मेरी ताकत हो, मेरी जीवन रेखा हो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि एक बाप के लिए इससे बड़ा पल कोई नहीं हो सकता है जब उसके बच्चे को कोई पूछे
और ये कहे कि बेटा तुमको किसके जैसा बनना है, और जब तुम ये जवाब देती हो कि मुझे पापा जैसा बनना है, तो इससे बड़ा मोमेंट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। बेटा तुमने इतनी कम उम्र में घर से लेकर बिजनेस तक सब कुछ संभाल लिया, इतना कुछ अचीव किया, मेरा ही ध्यान नहीं रखा, दादाजी का ध्यान रखा, मम्मी का ध्यान रखा, अपने भाई का ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा, मुझे तुम पर नाज है बेटा, मुझे तुम पर नाज है कि अपने तमाम उपलब्धियों के बीच भी तुमने अपने संस्कारों को कभी नहीं भुलाया। छोटों को प्यार, बड़ों की इज्जत और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, मुझे तुम्हारी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है बेटा। और तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा प्यार मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है बेटा। मैं तुम्हारे हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कायल हूं। मुझे तुम्हारे अंदर अजमेरा फैशन का फ्यूचर सीईओ नजर आता है। तुम्हें जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष तुम्हारे लिए खुशियां, सफलताओं और नए अवसरों से भरे हो, मेरी यही तुम्हारे लिए दुआ। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय बेटा। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। मेरे जीवन का एक हिस्सा बनने के लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा बेटा। हैप्पी बर्थडे।